राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग गाइस? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ राधिका जी इंस्पायर मेकअप लुक, एंड मैंने इस लुक को क्रिएट किया है स्पेशली कृष्ण जन्माष्टमी के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस लुक को देखने और सीखने में कि मैंने ये प्यारा सा लुक कैसे क्रिएट किया है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है सो प्लीज़ राधा रानी का नाम लेके एक लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए। एंड चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले जय श्री कृष्णा, ताकि मेकअप बिल्कुल भी ख़राब ना हो क्योंकि ये राधा रानी का मेकअप है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ये वादी हर्बल का प्योर लेवेंडर वाटर एज अ टोनर, एंड इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने पूरे फेस पे। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये है ममा अर्थ का विटामिन सी फेस मॉइस्चराइज़र। ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र है एंड गाइज ये सूटेबल ऑल स्किन टाइप है। आप चाहे ड्राई स्किन वाले हो, कॉम्बिनेशन वाले हो, ऑयली वाले हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात तो ये है ये जेंट्स एंड वोमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ वादी हर्बल का लिप बाम, एंड ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, अमेजिंग है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ NYB का ब्लरिंग प्राइमर, एंड ये चुटकू वाला पैक है। इसको मैंने अप्लाई किया है अपने फेस पे ताकि मेरा फेस अच्छे से स्मूथ बन जाए एंड सारे फेस पे जितने भी पोर्सेस हैं वो एकदम ब्लर आउट हो जाए। देन मैं यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का HD कंसीलर इन दी सेड 35, एंड ये मेरे स्किन टोन से डार्क है तो मैं इसको एज अ कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। गाइज मैंने नायका मेकअप हॉल अपलोड किया था अपने चैनल पे, तो अगर आप उस वीडियो को मिस कर चुके हो, नहीं देखा है आपने, तो प्लीज़ जाके वीडियो देखिए। एंड मैंने सारे प्रोडक्ट आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो कि मैंने न्यू परचेस किए हैं नायका से, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, मेरे चैनल पे अपलोड है। देन मैं फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ फिटमी का फाउंडेशन इन दी सेड 220, एंड इसको पहले मैं डॉट डॉट करके अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ एंड देन मैं इसको ब्लेंड करूँगी। मैंने बहुत सिंपल मेकअप लुक क्रिएट करने की कोशिश की है क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि ये राधा रानी का मेकअप है और बिल्कुल भी ख़राब हो। मैं एकदम सिंपल एंड सटल सा मेकअप लुक चाहती थी, तो मैंने सिर्फ अच्छे से फाउंडेशन को अपने ब्लेंड कर लिया है। जितना ही अच्छे से ब्लेंड करोगे उतना ही फ्लॉलेस दिखेगा, आपको तो पता है। कंसीलर के लिए यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन दी सेड 02 नेचुरल बेस, एंड मैंने इसको अपने यूजुअल पॉइंट्स पे अप्लाई कर लिए हैं। देन मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर रही हूँ। अब ये है राधा रानी का मेकअप और जितना ही फ्लॉलेस बेस दिखेगा उतना ही सुंदर दिखेगा, है ना? तो इसलिए मैंने अच्छे तरीके से ब्लेंड किया है अपने बेस को ताकि कोई कमी ना रह जाए। आप ये बिल्कुल भी ना बोल पाओ कि आपने राधा रानी का मेकअप अच्छा नहीं किया है। मैंने अपने तरफ से कोशिश की है, आई होप आपको भी पसंद आया हो। अपने बेस को सेट करने के लिए यूज़ कर रही हूँ नायका का ऑल डे मैट कॉम्पैक्ट पाउडर SPF 15, एंड गाइज ये बहुत अमेजिंग कॉम्पैक्ट है, बहुत अच्छे तरीके से मेरे बेस को सेट कर दिया इसने। एंड मैंने इसको न्यूली परचेस किया है उसी नायका हॉल में, आपको ये सब देखने को मिलेगा। इसमें मेरा सेड नंबर है 03। आईब्रो को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल इन दी सेड 01 ब्राउन, एंड मैंने बहुत हल्के हल्के से अपने आईब्रो को फिल किए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं किया है, एंड उसी की स्पूली से मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का अल्ट्रा ब्लश पैलेट इन दी सेड 03, एंड मैंने इसमें से अपने फेस को कॉन्टोर ब्लश एंड हाईलाइट किया है। तो ये यूज़ कर रही हूँ कॉन्टोर सेड एंड अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। मैंने ना बहुत ज़्यादा नहीं किया बट बहुत कम भी नहीं किया, लाइक एकदम मीडियम में मैंने सारे प्रोडक्ट को यूज़ किए हैं एंड उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। ब्लश के लिए मैंने ये वाला सेड चूज़ किया है, लाइट बेबी पिंक जैसा है, एंड इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ एंड इसको भी अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। आप जितने भी अच्छे तरीके से ब्लेंड करते हो अपने मेकअप को वो और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। मेकअप फिक्सर से अपने मेकअप को फिक्स करने के बाद मैं उसी पैलेट से यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर, एंड गाइज ये सैम्पियन सा सेड है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने अपने यूजुअल पॉइंट पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है एंड बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई किया, बहुत कम भी नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। आई मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ मिस क्लेयर का सिंगल आई शेडो, ये है, इसमें मेरा सेड नंबर है 26।
ये थोड़ा सा सिमरी सेड है तो काफ़ी प्यारा लग रहा था एंड ये ब्राउनिश टाइप पे है तो मैंने इसको पूरे आईलेट पे अप्लाई कर लिया है एंड इसको ब्लेंड कर रही हूँ मैं प्रॉपर। अच्छी तरीके से आपको ब्लेंड कर लेना है, आप कोई सा भी सेड यूज़ कर सकते हो। देन मैं इसको अपने लोअर लैश लाइन पे भी सेम अप्लाई कर रही हूँ, स्मच करते हुए सॉरी ब्लेंड करते हुए मैंने अप्लाई कर लिया। अब मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर के लिए यहाँ पे मैबलिन का कोलेस्ट्रॉल ब्लैक लिक्विड आईलाइनर। आप चाहो तो ब्राउन भी यूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शनल है, आप ब्राउन या फिर ब्लैक दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर लो। मैंने एक विंग आईलाइनर क्रिएट किया है। अब मैं अपने लैसेस को कर्ल कर रही हूँ लेस कर्लर से। उसके बाद यूज़ कर रही हूँ मेरा फेवरेट मार्स का मस्कारा एंड इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी एंड मैं फॉल्स लेसेस भी अप्लाई करने वाली हूँ आज। लोअर लेसेस पे भी मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है मस्कारा। फॉल्स लेसेस मैंने ऑफ कैमरा यूज़ कर लिया, अप्लाई कर लिया। देन मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट काजल, ये है इनसाइड का HD वाइट काजल एंड मैं ले रही हूँ ये है स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर इन दी सेड 10 पिंक क्रस एंड इसको ही मैं एज अ लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, बहुत प्यारा सेड है। ओके गाइस, तो अब मैं सबसे कठिन वाला काम कर रही हूँ। मैं ये कुमकुम का जो बिंदी होता है मैं इसको कर रही हूँ, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, कैसा बना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक, कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी ना, मेरा मेकअप लुक थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड अगर आप मेरा सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।